हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एक एक्शन पैक्ड संडे खत्म हुआ। एल क्लासिको, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, क्या मैच था भाई और क्या संडे था। तो चलिए बात करते हैं आज ला लिगा की, एल क्लासिको की, या कहे कि को आपकी फुटबॉल का एल क्लासिको की। तो रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना मैच स्टार्ट होती है। अगर ओवरऑल मैच के समरी की बात करें तो आई थिंक बार्सिलोना बेटर थी रियल मैड्रिड से, बट गोल की बात करें, मैच की बात करें तो रियल मैड्रिड बहुत आगे है बार्सिलोना से। इनफैक्ट 3-1 से जीत गई रियल मैड्रिड। एंड आगे और मैच की बात करो कोई भी, तो स्टार्टिंग में हालांकि जब बॉल पास कर रहे थे, बॉल पोजिशन रख रहे थे बार्सिलोना, तो बार्सिलोना बहुत ही कंफर्टेबल दिख रहे थे बॉल पोजिशन में, पास करने में, बट वो फिनिश करने में, या फिर कहो कि आप मिडिल में जाके, मिडफील्ड में जाके कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही थी बार्सिलोना, या फिर मिडफील्ड में कह सकते हो आपकी बार्सिलोना की मिडफील्ड थोड़ी कमजोर दिख रही थी आज इन कंपेरिजन टू रियल मैड्रिड। एंड शायद रियल मैड्रिड ने उसी का फायदा उठाया और 12वें मिनट में ही बेंजेमा का गोल आता है, 12वें मिनट में ही लीड मिल जाता है मैड्रिड को। एंड कहीं ना कहीं इतनी जल्दी, इतने बड़े मैच में लीड मिलने के बाद एक अलग वाइब बन जाता है मैच का, एंड एक अलग एटमॉस्फेयर बन जाता है ग्राउंड का, पिच का, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट तो ऑब्वियसली पड़ा होगा बार्सिलोना टीम को। बट स्टिल फिर भी बार्सिलोना मैं कहूँगा कि अच्छी दिख रही थी। एंड फिर एक सेकेंड हाफ से पहले ही बेंजिमा से बहुत अच्छा गोल था फेदे वेलवर्दे का, एक स्टनर मैं कहूँगा, जबरदस्त गोल था, जबरदस्त फिनिश था उसका, और वहां पे लीड 2-0 हो जाता है रियल मैड्रिड के फेवर में। एंड फिर मुझे तो लगा था शायद मैच अब फिनिश हो चुकी है सेकेंड हाफ से पहले ही, बट ऐसा होता नहीं है। बार्सिलोना हर वक्त कमबैक की कोशिश करती रहती है, अच्छा पोजिशंस, अच्छा पासेस, एंड फिर एटलीस्ट, मतलब कि एटलीस्ट नहीं, आखिरकार 83 मिनट में फेरन टोरेस का गोल आता है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की का असिस्ट आता है, और वहाँ बहुत थ्रेट कर रही थी बार्सिलोना रियल मैड्रिड को। मुझे तो लग रहा था कहीं दूसरा गोल ना आ जाए बार्सिलोना का, एंड कहीं रियल मैड्रिड इक्वल पे ना रह जाए, कहीं ड्रॉ पे ना मैच फिनिश हो, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि एल क्लासिको ड्रॉ पे फिनिश हो। ऑब्वियसली मैं रियल मैड्रिड का फैन हूँ, तो रियल मैड्रिड को जिताना चाहता था, मैं चाहता था कि रियल मैड्रिड जीते, बट स्टिल बार्सिलोना अच्छा खेल रही थी, वो पोजिशन रख रही थी, एंड जैसा कि मैंने कहा कि वो फिनिश करने में, या फिर कहो कि आप मिडफील्ड से फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था, और शायद कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई थिंक कि बार्सिलोना के साथ थ्रू द सीजन चले आ रहा है। आप चैंपियंस लीग के गेम में देखो, इंटर के खिलाफ, या फिर आप देखो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ, सारे गेम में उनके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। ला लिगा में टॉप पर चल रहा था बार्सिलोना, बट अब नहीं, अब रियल मैड्रिड से हार कर वो सेकेंड पे आ चुका है। रियल मैड्रिड 3 पॉइंट की अब लीड में है बार्सिलोना से। एंड फिर 83 मिनट में टोरेस का गोल आने के बाद, और उस वक्त तो एक जबरदस्त थ्रेट पेस कर रही थी बार्सिलोना, बट फिर उसके कुछ देर बाद ही एक पेनल्टी मिलता है रोड्रिगो को, एंड फिर मैच खत्म था। पेनल्टी के बाद पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट करता है रोड्रिगो, एंड स्कोर 3-1 हो जाता है। वहाँ से आप 5-7 मिनट में या 10 मिनट में दो गोल मारना इतना बड़ा मैच में, एल क्लासिको में इतना बड़ा हाईलाइट रियल मैड्रिड के डिफेंस के अगेंस्ट, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, हो सकता है कभी, बट ये पॉसिबल दिखता नहीं है। और बात करें रियल मैड्रिड के डिफेंस की, तो टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच इस एज में भी, सब कहते हैं 36-37 के हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अभी भी वो पेड्री को हवा में उड़ा रहे हैं लुका मॉड्रिच। आप देख सकते हो किस तरह से परफॉर्मेंस जाता है लुका मॉड्रिच टोनी क्रूज का। मुझे तो लग रहा था कि कहीं टोनी क्रूज मैन ऑफ द मैच ना ले जाए, खैर कोई भी ले जाता था तो रियल मैड्रिड का ही, बट वेलवर्डे ने ले गया, लेकिन वेलवर्डे कमाल का खेल खेला आज, स्पेशली फर्स्ट हाफ में वो हर सेकेंड थ्रेट कर रहा था बार्सिलोना को कि कहीं वो गोल ना आ जाए, कहीं इधर गोल ना आ जाए, कहीं उधर गोल ना आ जाए, बट स्टिल चुआमनी उनका मैं कुछ आज ठीक ठाक ही था, बट स्पेशल था वेलवर्डे से, बेंजेमा का गोल भी आता है, एक और बेंजेमा का फिनिश आता है जहाँ वो ऑफ साइड करार दिए जाते हैं। टोनी क्रूज अच्छे अच्छा खेले, अच्छा दिखे आज, एंड लुका मॉड्रिक अच्छा खेले,
और रियल मैड्रिड फाइनली एल क्लासिको जीत गई 3-1 के गोल से, 3-1 के स्कोर से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए आप लोगों को देख के कैसा लगा एल क्लासिको लालिगा का। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर मैच अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा, अगर रिव्यू अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।